हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना पर्फुल ऑफिशियल एंड आई एम रीना। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अभी आईडिया से लगाए हुए हैं, ये मैंने कहाँ से लिए हैं एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर लें एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजिली उसे वहाँ से चेक। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि दी नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए हमें होममेड फेस पैक बताइए, तो मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ जिनका स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, उन लोगों के लिए होममेड फेस पैक लेकर आई हूँ जिसको आप लोग वेरी इजीली घर में बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि इनमें लेमन नहीं है, देन इसमें मुल्तानी मिट्टी नहीं है और आप उन्हीं फेस पैक को यूज़ किया करिए जिनके स्किन नॉर्मल टू ड्राई हैं, जिसमें मुल्तानी मिट्टी ना हो, बिकॉज अगर हो भी तो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह हो जिनका बैलेंस वो इक्वल कर दे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मुल्तानी मिट्टी जिनके ड्राई स्किन है उसको और ड्राई करता है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बाउल और मैंने बाउल में डाला है 2 चम्मच बेसन एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया पतंजलि का हनी। आप कोई सा भी हनी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं है कि पतंजलि का ही ले रहा है। मैंने 1 चम्मच हनी डाला है एंड उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच मैंने लिया है एलोवेरा जेल और ये एलोवेरा जेल जो है ये नेचर का है। आप नॉर्मल जो हमारे घर में प्लांट होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था सो मैंने ये यूज़ किया है, अगर वो आपके पास है तो बेस्ट है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून हल्दी डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मलाई डाला है। देन आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं एंड नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये ऑयली फेस जिनका है उन लोगों के लिए ये नहीं है। देन उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गुलाब जल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने डाबर का गुलाब जल लिया है। देन जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेके पेस्ट बनाना है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने इसमें बेसन लिया था कि हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्टली स्क्रब करे। देन मैंने इसमें हल्दी लिया है ग्लो के लिए एंड एलोवेरा जेल हनी मैंने लिया है और मलाई लिया है सॉफ्टनेस के लिए। तो यहाँ पे हमारा फेस पैक कंप्लीट हो चुका है एंड इसको अब अप्लाई करने की बारी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, प्रेस आल्सो द बेल आइकन जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें और खूब सारा प्यार दें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूजफुल लगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ड्राई है आप भी एक बार इस फेस पैक को ट्राई करिए और कब करेंगे वो आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। देन उसका रिजल्ट आपको कैसा लगा वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिएगा, बताइएगा कि आपने ट्राई किया या नहीं किया और उसका रिजल्ट क्या आया। सो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगी और मेरा जो फेस पैक बचता है उसको मैं वेस्ट नहीं करती, फेंकती नहीं हूँ और बचने के बाद उसको मैं इस तरह से अपने हैंड्स पे लगा लेती हूँ जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, इस तरह से पूरे अच्छे से लगा लेती हूँ और आर्म्स के पास जो हमारे ये स्लीव्स की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा हो जाता है, डलनेस सा आ जाता है तो वहाँ पे मैं लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। और उसके बाद इसको मैं 5 मिनट्स के लिए रखूँगी एंड वॉश कर लूँगी और जो फेस का है ये मैं 10 मिनट्स रखूँगी। तो आप रिजल्ट देख रहे होंगे कितना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना प्यारा लग रहा है। एक बार आप सभी ट्राई ज़रूर करें, फिर आप खुद मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं दी आपने बहुत अच्छा फेस पैक बताया। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक भी ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, व्यूज़ कुछ तो आ जाते हैं बट वीडियो देखने के बाद और आप लोग चले जाते हैं, लाइक क्यों करना भूल जाते हैं। लाइक करिए, लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा लेकर आऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।